Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. So today our lecture is about the bones and cartilage. आज हम bone और cartilages के बारे में पढ़ेंगे. So let's start our lecture. The endoskeleton of vertebrates is made up of two types of connective tissues. One cartilages and second bones. Now we are going to discuss about the difference between bones and cartilages. Bones, hard type of connective tissue. Bones जो होती है वो hard होती है. Cells of bones are called osteocytes. Bones की जो cells हैं, ऐसे cells जो के मिल के bones बनाते हैं. You know that cell combine to form tissue and bone is a connective tissue. Then cell combine to form bones and जो cell होते हैं वो osteocytes होते हैं, bones के cells. Cartilages, soft type of connective tissues. कार्टिलेजेस जो होती है ये सॉफ्ट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. सेल्स ऑफ कार्टिलेजेस आर कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट्स. कार्टिलेजेस के जो सेल्स होते हैं ऐसे सेल जो के मिलके टिश्यूज बनाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, कौन से? कार्टिलेजेस, वो जो कहलाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. बोथ बोन्स एंड कार्टिलेजेस कंटेन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड कॉल्ड मैट्रिक्स. बोन्स और कार्टिलेजेस में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड होता है जो कि मैट्रिक्स कहलाता है. मेन प्रोटीन इन मैट्रिक्स कॉल्ड कोलाजिन. जो मैट्रिक्स में प्रोटीन होता है, वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन जो मेन प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड कोलाजिन. सो हेयर इन द फ्रंट ऑफ यू दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नी. आपके सामने नी की स्ट्रक्चर मौजूद है जिनमें बोन्स एंड कार्टिलेजेस को दिखाया गया है. कार्टिलेजेस जो कि बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यू है एंड इनर साइड जो है प्रेजेंट है फ्लूइड की तरह, एंड जो बोन्स है वो हार्ड टिश्यू है जो कि उनकी सराउंडिंग में प्रेजेंट है. सो हम डिस्कस करके आए कि कार्टिलेजेस जो है वो सॉफ्ट बोन्स हैं, सॉफ्ट टिश्यू हैं, एंड बोन्स जो है वो हार्ड टिश्यू है. बोन्स बिकम हार्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कैल्सिफिकेशन और ऑसिफिकेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी. बोन्स जो होती है वो हार्ड होती है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के जमा होने की वजह से. जिस प्रोसेस से कैल्शियम जो है वो डिपोजिट होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कैल्सिफिकेशन और ऑसिफिकेशन. अकर इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी. बोन्स जो है वो हार्ड होती है विटामिन डी की प्रेजेंस में. मीन्स के ऐसा प्रोसेस जो के बोन्स को हार्ड करता है दैट इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन, एंड ये जो प्रोसेस होता है वो प्रेजेंस में होता है विटामिन डी की. विटामिन डी जो है वो नेसेसरी होता है बोन्स के हार्ड होने के लिए. एंड जिस प्रोसेस में बोन्स हार्ड होती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन, एंड कैल्सिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है? डिपोजिशन होती है कैल्शियम की. एग्जाम्पल ऑफ बोन इज फीमर. फीमर इज अ थाई बोन एंड द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी. सो वी डिस्कस द कार्टिलेजेस. द एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजेस इज एक्सटर्नल एयर. जो एक्सटर्नल एयर है दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज बिकॉज दे आर सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू. हम अपने एयर को देखें तो वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, उसको जिस तरह हम नोड़ सकते हैं उस तरह वो मुड़ जाता है. सो ये जो है वो सॉफ्ट टिश्यू से मिलके बना है दैट इज कॉल्ड कार्टिलेजेस. एंड लैरेंक्स. लैरेंक्स जो है वो ह्यूमन साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है. मींस के ह्यूमंस में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो है वो लैरेंक्स है. तो वो जो है वो भी सॉफ्ट बोन से मिलके बना हुआ है दैट इज कॉल्ड कार्टिलेजेस. सो हेयर इन द फ्रंट ऑफ यू सम स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस इन ह्यूमन बींग्स आर प्रेजेंट. इसमें हम देख सकते हैं कार्टिलेजेस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है. एयर एंड लैरेंक्स एंड दी हायलाइन कार्टिलेजेस. हायोइड बोन जो हमने डिस्कस की थी वहाँ हायोइड कार्टिलेजेस भी प्रेजेंट होती है. एंड जो है बोन्स की भी सम आप टाइप्स देख सकते हैं यहाँ पे, हैंड, लेग एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी की बोन्स जो है वो दिखाई गई है. सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेजेस. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अबाउट दिस लेक्चर. एनी क्वेश्चन और कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स. बेल आइकॉन पे क्लिक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोज़ मिल सकें.